अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हमने आज अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करना है। टॉपिक है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है इसको हमने टू वेज़ में क्या करना है, मतलब टू डिफरेंट पैरामीटर्स से हम लोग इसको चेक करेंगे और देन हम लोग डिसाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे दोनों के लिहाज से, ठीक है, जो 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 हमारे पास पैरामीटर्स हैं उन दोनों पैरामीटर्स को देखेंगे और पैरामीटर्स देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनमें से किस पैरामीटर के ऊपर जो अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग जो रिएक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए हम लोग जो पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज़ द CX बॉन्ड एनर्जी। CX बॉन्ड एनर्जी। अब पहले हम लोग, मतलब हमारे पास दो पैरामीटर के लिहाज से हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। पहला पैरामीटर कौन सा है हमारे पास, कार्बन से जो हमारे पास हेलो एटम की जो बॉन्ड एनर्जी है हम उसके लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारे पास जो हेलो एटम्स हैं अल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम एक फैमिली के लिहाज से देखें तो इट मे बी अल्काइल फ्लोराइड जो फर्स्ट मेंबर होगा, फ्लोरीन के लिहाज से अल्काइल क्लोराइड, फिर कौन सा होगा अल्काइल ब्रोमाइड और फिर हमारे पास कौन सा होगा जी अल्काइल आयोडाइड। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वन मोल ऑफ बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर होती है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ के वन मोल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम है। अब हमने, मैं अगेन बात को रिपीट करता हूँ कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो ज़्यादा है इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम है, और अगर उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए उस कंपाउंड के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अगर कम रिक्वायर है, मतलब बॉन्ड एनर्जी अगर कम है उसकी, तो इट मीन्स वो बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा। तो अगर हम इन अल्काइल हैलाइड्स की बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हम बॉन्ड एनर्जी से हम लोग जब इसका कंपेयर करके देखते हैं कि इन चारों में से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी है और बॉन्ड एनर्जी कम किसकी है, तो अगर हम देखें जो स्टडीज़ की गई हैं हमारे पास वो में क्या इन्फॉर्म करती हैं कि जो अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल फ्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 467 किलो जॉल पर मोल। मतलब हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड के जो वन मोल है इसके जो वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ इक्वल टू 467, और हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है इसके जो वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 228 किलो जॉल पर मोल, और जो 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 ये वैल्यू है ये वैल्यू डाउन द ग्रुप कम हो रही है, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, वो क्या हो रही है हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास, ठीक है, डाउन द ग्रुप। इस ग्रुप में अगर हम देखें इस ग्रुप के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आप खुद देखें कि अगर हम इनका कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो अल्काइल फ्लोराइड जो हमारे पास देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह क्या है, बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह ये है कि अगर हम देखें अल्काइल फ्लोराइड को और अल्काइल आयोडाइड को दोनों की अगर बात करने के इनमें से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, तो फ्लोरीन की जो नेगेटिविटी है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे अल्काइल का मतलब यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे आयोडाइड इसकी नेगेटिविटी कितनी होती है 4.0, फ्लोरीन की इसकी कितनी है 2.5, यहाँ पे कार्बन है, अल्काइल का मतलब कार्बन, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखें तो यहाँ जो फ्लोरीन है इसने इस कार्बन एटम को बड़ा टाइटली होल्ड किया हुआ है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। अगर हम आयोडीन को देखें और इस कार्बन को देखें तो ये बॉन्ड तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लिहाजा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ इक्वल टू 467 किलो जॉल पर मोल, और हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है ये बॉन्ड वीकर होगा तो इट मीन्स इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है 228,
किलो जॉल पर मोल, और ये वैल्यू यहाँ से कम होगी, यहाँ पे आपके पास 300 समथिंग आएगी, तो उसके लिहाज से नीचे कम होती जा रही है। तो इट मीन्स अगर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखना हो अल्काइल हैलाइड का अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से अगर हमने अल्काइल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखनी हो, तो आपके सामने है कि जो बॉन्ड एनर्जी है अल्काइल आयोडाइड की वो सबसे कम है। इट मीन्स ये बॉन्ड इजली ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जो बॉन्ड इजली ब्रेक हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। सो हमारे पास अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, अब आगे हम बात करते हैं इसी बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, इसी के लिहाज से। अब जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा कि हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है, जो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है RI जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सबसे कम है। फिर उससे ज़्यादा, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, RBr। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, RCl। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, RF। तो ये हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से हमारे पास। और ये ऑर्डर है भी कौन सा, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब क्या, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, उससे कम। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ऑफ अल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू CX बॉन्ड एनर्जी, मतलब कार्बन से जो हैलोजन का बॉन्ड है उसकी एनर्जी के लिहाज से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आता है, और मैंने उसकी वजह आपको बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सेकेंड पैरामीटर है जो कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ द बॉन्ड पोलैरिटी, दैट इज बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी जो है ये हमारे पास सेकेंड आपके पास पैरामीटर है जो कि क्या करेगा, रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है अल्काइल हैलाइड की। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब अगर हम बात करें, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, या पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ पोल्स, पोल्स की क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ पोल्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का आना, ठीक है, डिफरेंट दो एटम्स के ऊपर, मतलब उनके उनमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उस कंपाउंड का पोलराइज हो जाना, उसके ऊपर चार्जेस का डिस्पर्स हो जाना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजबिलिटी, और जब इसको हम कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। अब देखिएगा किस तरह, हमारे पास अल्काइल हैलाइड कितने थे, हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल सॉरी ये इसको क्लोराइड कर लें पहले, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। अब हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी। अगर हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, तो हमारे पास जो फ्लोरीन है पोलंग स्केल के ऊपर इसकी नेगेटिविटी कितनी है जी, 4.0। क्लोरीन की कितनी है जी, 3.0। ब्रोमीन के हमारे पास कितनी है जी, 2.8। और आयोडीन की कितनी होती है, 2.5। और कार्बन की कितनी होती है, 2.5। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं। अब जब कार्बन और हेलो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो वो बॉन्ड उतना क्या होगा, पोलर होगा। अगर नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो उसकी पोलैरिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, अगर आप इसको देखें, तो इस केस पर देखें, यहाँ पे फ्लोरीन की नेगेटिविटी कितनी है, 4.0। कार्बन की कितनी है, 2.5। तो डिफरेंस कितना आता है, यहाँ से आता है डिफरेंस 1.5 का। तो 1.5 का जो डिफरेंस है कार्बन और फ्लोरीन में, ये इस बॉन्ड को हाईली पोलर कर देगा। और क्या होगा कि यहाँ हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ नीचे शो करूँ इस CF को, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द हाईली पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, हाईली पोलर होगा। बाकी के हम कंपेयर करके देखते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ वही कार्बन जिसकी नेगेटिविटी कितनी, 2.5, Cl की कितनी, 3.0। तो अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपके पास 0.5।
फाइव का, तो ये बॉन्ड भी पोलर होगा, सी सी एल वाला बॉन्ड भी हमारे पास क्या होगा, पोलर होगा, लेकिन इतना पोलर नहीं होगा जितना आपके पास सी एफ वाला है और जो सी एल है, इसमें डिफरेंस है। अगर हम इसकी बात करें आर बी आर की, तो यहाँ आपके पास 2.8, यहाँ पे क्या 2.5, तो डिफरेंस कितना है 0.3 का। तो बॉन्ड ये भी पोलर होगा, लेकिन ये इतना पोलर नहीं होगा जितना हमारे पास कौन सा है, सी एफ वाला या सी सी एल वाला। अगर हम अल्काइल आयोडाइड की बात करें तो 2.5 देर इज़ नॉट टू मच डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारे पास इतनी पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। तो बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, ये उससे कम पोलर है, ये उससे कम और ये उससे कम। तो अब कोई भी हमारे पास पोलर चीज़, कोई भी हमारे पास स्पीशी ऐसी आती है जिसका जिसमें नेगेटिव पार्ट भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, तो वो फौरन से बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये बॉन्ड हमारे पास बहुत ही कम पोलर है, मतलब डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो का है, किसी किस्म की पोलैरिटी इसके ऊपर नहीं आएगी, तो पोलैरिटी के लिहाज से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर हम अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम लिखें किसकी, अल्काइल हैलाइड की, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखें अल्काइल हैलाइड की, तो हमारे पास क्या बनती है कि आपके पास जो अल्काइल फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा, और अल्काइल ब्रोमाइड उससे कम, सॉरी उससे उसके उसके बाद हमारे पास कौन होगा, अल्काइल क्लोराइड, और देन हमारे पास कौन होगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे लास्ट पे हमारे पास कौन आएगा, अल्काइल आयोडाइड। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी ऑफ अल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी, और ये हमने डिस्कस की अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, अब हमने एट द एंड कंक्लूड करना है कि अब आखिरकार अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है या बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले तो हमने इन दोनों पैरामीटर के लिहाज से अब हमने रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया, अब हमने एट द एंड कंक्लूड करना है कि अब एक्चुअली रिएक्टिविटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है अल्काइल हैलाइड की, तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपको ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी का आपको ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखिए, तो वो हमारे पास किसके लिहाज से होगा, वो आपके पास अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों पैरामीटर के लिहाज से अगर हमने जब एक्सपेरिमेंट्स शो किए गए तो एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड हमारे पास जनरली वो क्या रहेगा कि अल्काइल आयोडाइड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड, इट इज़ अ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइल क्लोराइड, एंड इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।